तो गाइस पिछले 24 घंटों में डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से क्या न्यूज अपडेट और रूमर से आई देखते हैं इस वीडियो में। तो गाइस क्या रॉम रेंज एक बार फिर से होंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई के फुल टाइम रेसलर जो कि यहां पर पार्ट टाइम रेसलर हुआ करते थे। उसके बाद गाइस अगला रूमर से यहां पर जी उसो को लेकर कि आखिर जी उसो किसको ज्वाइन करेंगे, क्या वो रिया रिप्ले को या फिर हो सकता है ब्लड लाइन को ज्वाइन करेंगे। उसके बाद गाइस अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है यहां पर ट्रिपल एच की वजह से, आइए देखते हैं आखिर क्या है। उसके बाद इस बार के रॉयल रंबल में आखिर कौन विनर होगा, यहां पर डी रॉक हो सकते हैं या रॉम रेंज, कोडी रोड या फिर हो सकते हैं जॉन सीना। उसके बाद गाइस यहां पर सीमस ने किया एक बार फिर से डब्ल्यूडब्ल्यूई में साइन इन द कॉन्ट्रैक्ट आखिर कितने सालों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, उससे पहले मेक श्योर वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लो हर रोज ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। तो गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं रॉम रेंज को लेकर। इस समय रॉम रेंज जो कि फुल टाइम रेसलर बन चुके हैं यहाँ पर, क्योंकि आने वाले समय में इस समय जो भी यहाँ पर प्रीमियम लाइव इवेंट बचा हुआ है जैसे कि बैड ब्लड लाइन हो गया, सर्वाइवर सीरीज हो गया और क्राउन ज्वेल हो गया, ऐसे रॉम रेंज को इन तीनों प्रीमियम लाइव इवेंट में यहाँ पर एडवर्टाइज किया गया है ऑफिशियली। तो गाइस इस समय रॉम रेंज पार्ट टाइम रेसलर नहीं होके बल्कि इस समय फुल टाइम रेसलर होंगे यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई का। उसके बाद गाइस नेक्स्ट आखिर कौन होगा इस बार का रॉयल रंबल में विनर। तो गाइस इनमें से ये चार रेसलर जो कि काफी ज्यादा फेवरेट बताया जा रहा है कि आने वाले 2025 का रॉयल रंबल यही विन करने वाले हैं। वैसे गाइस आपको क्या लगता है आखिर इनमें से कौन विन करेगा, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आप। तो गाइस यहाँ पर जी उसो आखिर किसको ज्वाइन करने वाले, क्या यहाँ पर रॉम रेंज को ज्वाइन करेंगे या फिर रिया रिप्ले को। हालांकि जी उसो ने इस पर खुद बताया कि वो यहाँ पर ब्लड लाइन के साथ काम करना चाहेंगे क्योंकि उनको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। और यहाँ जी उसो की बात सुनकर बात यही पता चलता है कि एक बार फिर से ब्लड लाइन फॉर्म होने वाली है। उसके बाद गाइस नेक्स्ट जी में उसो हो सकते हैं यहाँ पर ब्लड लाइन का पहला रिटर्न, इनको 6 महीने हो चुके हैं अभी तक डब्ल्यूडब्ल्यूई से गायब होते हुए। उसके बाद गाइस फाइनली यहाँ पर ट्रिपल एच ने ब्रेकिंग न्यूज अनाउंस कर दिया यहाँ पर सीमस को लेकर। तो गाइस यहाँ पर सीमस एक बार फिर से डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए साइन इन द कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हैं, वो भी 5 सालों के लिए। उसके बाद गाइस नेक्स्ट एक और यहाँ पर प्रीमियम इलेवन डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है और वो यहाँ पर है सैटरडे नाइट मेन इवेंट जो की होगा यहाँ पर 14 दिसंबर को। उसके बाद गाइस यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं जो की है ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन स्टॉमिन को लेकर। दोनों रेसलर आपस में फाइट कर रहे होते तभी यहाँ पर ब्रॉन्सन रीड एक आदमी को उठाकर ब्रॉन स्टॉमिन के ऊपर फेंक देते हैं और तभी इनके ऊपर यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई फाइन लगा देते हैं दोनों रेसलर के ऊपर, ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन स्टॉमिन को लेकर। उसके बाद गाइस एवा यहाँ पर जो कि रॉक की डॉटर है वो कंटिन्यूअसली यहाँ पर ब्लड लाइन को मैसेज देती जा रही है, हो सकता है कि ब्लड लाइन का अगला रेसलर ये भी हो सकती है। उसके बाद गाइस यहाँ पर जेड कारगिल ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के बारे में बताया कि सबसे कठिन काम क्या होता है यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई में। जेड कारगिल का ऐसा मानना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई में सबसे कठिन काम कोई होता होगा तो वो है यहाँ पर ट्रैवलिंग। वैसे हर मैचेस के लिए आपको एक जगह से दूसरी जगह आना जाना पड़ता है जिसकी वजह से आपको काफी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। उसके बाद गाइस जब यहाँ पर फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में पॉल हिमन रिटर्न करेंगे तो कुछ ऐसा ही सीन दिखाई देने वाला है, क्योंकि गाइस यहाँ पर पॉल हिमन के आने के बाद कुछ अलग ही प्रकार का एंटरटेनमेंट देखने को मिलता है। उसके बाद इस बार के मंडे नाइट ड्रामा में यहाँ पर टीजर दिखाया गया यहाँ पर ब्रेक डाउन होने वाला है यहाँ पर न्यू डे का। उसके बाद गाइस फाइनली लास्ट बात कर लेते हैं इस बार के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की व्यूअरशिप की। तो गाइस इस बार के स्मैकडाउन का जो व्यूअरशिप बाहर निकल के वो यहाँ पर 1.72 मिलियन व्यूअरशिप और 0.5 रेटिंग स्टार। और गाइस अगर कंपेयर करें पिछले स्मैकडाउन की व्यूअरशिप से तो स्मैकडाउन के कंपैरिजन में कुछ कम ही है इस बार का। तो गाइस पिछले स्मैकडाउन का जो व्यूअरशिप था यहाँ पर 1.77 मिलियन व्यूअरशिप था। तो गाइस यही रहे आज के सारे न्यूज एंड अपडेट जो कि हमने इस वीडियो के माध्यम से देखा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून।